तो यार Realme 9 Pro, Pro Plus, Poco M4 Pro, 5G, Moto का S30 Pro, इसके अलावा OnePlus Nord C, E2 और iQOO 9 Series, बहुत सारी न्यूज़ हैं आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, इससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त मिकुल और आप देख रहे हो फनटेक बूम यूट्यूब चैनल। पहला अपडेट है शेयर चैट की तरफ से। तो शेयर चैट ने $600 मिलियन में टकाटक ऐप को खरीद लिया है, जो शॉर्ट्स की ऐप है यार, आपने सुन रखी होगी टकाटक और मौज। और ये जो मौज ऐप थी ना, ये शेयर चैट की थी, तो अब ये मौज और टकाटक एक ही ऐप हो गए हैं मान सकते हो, मतलब मौज ने टकाटक को खरीद लिया है। अगला अपडेट थोड़ा अच्छा नहीं है यार, मतलब एक रिपोर्ट के हिसाब से यार झारखंड में ₹5 में पर पर्सन का डाटा बिकता है, मतलब अगर कोई स्कैम वगैरह होता है ना, जो आपके पास कॉल आती है व्हाट्सएप नंबर वगैरह, पर पर्सन का ₹5 में बिक जाता है बस, मतलब बहुत ही सस्ता है यार। अगली न्यूज काफी कमाल की है यार। तो सोनी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि सोनी लाने वाला है शक्तिमान की मूवीज थिएटर में। अब ये तो नहीं पता इनका जो एक्टर होगा वो किरदार कौन निभाएगा, क्योंकि जो पहले निभाते थे यार वो तो अब नहीं निभा पाएंगे, बट शक्तिमान यार बहुत फैंस हैं इसके, तो शक्तिमान की मूवीज भी अब आने लगेंगी थिएटर में। अगला अपडेट है टेस्ला को। तो टेस्ला और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में जो भी बातचीत चल रही है, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि टेस्ला चाह रही है वो इंडिया में गाड़ी इम्पोर्ट करे और टैक्स हमें कम देना पड़े, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट चाहती है अगर बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टैक्स दो और यहीं तो इंडिया में मतलब मैन्युफैक्चर कर लो अगर टैक्स कम करना है। तो टेस्ला की यार ये डिमांड गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि टैक्स में कोई बेनिफिट तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, चाहे ईवी ला रहे हो चाहे कुछ भी ला रहे हो। मतलब गवर्नमेंट का ये कहना था कि यार हम नहीं चाहते कि जो एम्प्लॉयमेंट है चाइना में मिले और जो तुम्हारा बिजनेस है वो इंडिया में चले। तो यार आप जरूर बताना आपको क्या लगता है इस मामले में, टेस्ला ठीक है या फिर इंडियन गवर्नमेंट। इसके अलावा एक कमाल की बात कि गूगल ने एंड्रॉइड 13 का डेवलपर प्रीव्यू आउट कर दिया है और चार्ट भी दिखा दिया है कैसे कैसे बीटा वर्जन आएगा, फिर स्टेबल वर्जन और जुलाई तक फाइनल रिलीज हो जाएगा। मतलब अभी तक बहुत सारे फोनों में एंड्रॉइड 11 का भी अपडेट नहीं आया है और एंड्रॉइड 12 का तो मतलब बहुत ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं, और एंड्रॉइड 13 भी मतलब डेवलपर प्रीव्यू दिखा दिया है गूगल ने। और माइक्रोमैक्स ने इंट दिया है कि माइक्रोमैक्स का N2 बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है, 10,000 से 11,000 रुपए में आएगा, 90 हर्ट्ज की फुल HD प्लस डिस्प्ले होगी, हीलियो G88 प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी, 18 वॉट चार्जिंग। तो यार एक बजट के हिसाब से काफी अच्छा फोन होएगा, हालांकि इन नोट 2 भी काफी कमाल का था प्राइस के हिसाब से। और गूगल क्रोम ने पूरे 8 साल बाद अपना लोगो चेंज कर दिया है, आपको पता भी नहीं चला होगा ऐसा चेंज हुआ है, मतलब आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बहुत ही माइनर से चेंजेस हुए हैं। इसके अलावा कल एयरटेल का एक बहुत बड़ा आउटेज देखने को मिला काफी सारी सिटीज में, आपने फेस करा या नहीं, चाहे बात करूं एयरटेल की सिम की, चाहे एयरटेल ब्रॉडबैंड की, नेट बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। और हाँ मैंने भी फेस करा यार, मेरा घर वाईफाई भी एयरटेल का है, वो बिल्कुल नहीं चल रहा था, सिम भी नहीं चल रही थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था नेट क्यों नहीं चल रहा, और राउटर में दिखा देता है कि नेट वगैरह की दिक्कत होती है तो वो भी नहीं दिखा रहा था, कस्टमर केयर वाले कॉल नहीं उठा रहे। तो हाँ मैंने तो फेस करा, आपने करा या नहीं। और इसके अलावा कुछ दिन पहले जियो का भी महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आउटेज हुआ था, मतलब सिम चल ही नहीं रही थी, नेटवर्क वगैरह नहीं आ रहे थे। और बात कर ही रहे हैं एयरटेल जियो की, तो यार एयरटेल ने इंडिकेट करा है कि थोड़े 2022 में ही ना 3-4 महीनों बाद हो सकता है कि वो अपने टैरिफ प्लान दोबारा बढ़ा दें 20-30% तक। तो मतलब ऑलरेडी यार बहुत महंगे हो चुके हैं, बट और महंगे होंगे, और एयरटेल करेगा तो पीछे पीछे जियो और वीआई भी डेफिनेटली करेंगे। इसके अलावा रियलमी 9 प्रो सीरीज जो 16 फरवरी को आने वाली है, इसकी प्राइस स्पेसिफिकेशन वगैरह सब लीक हो चुका है, इमेजेस से लेके एक एक चीज, अगर देखना चाहते हो आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, बना चुका हूं दोनों ही फोन्स के ऊपर, तो जाके देख सकते हो। और कुछ रेंडर्स बाहर आ रहे हैं रियलमी GT नियो 3 से रिलेटेड, अब ऐसा लग रहा है ये पोको एफ सीरीज को कॉपी करने की कोशिश है, मतलब साइड में ट्रिगर्स वगैरह, और लुक्स भी अगर ये ठीक है ना तो जैसे पोको की एफ सीरीज जो रेडमी के सीरीज से जाती है चाइना में वो, और इंडिया में आती है पोको एफ सीरीज के साथ, कुछ वैसा सा लग रहा है। डायमेंसिटी 9000 के साथ आएगा, 120 वाट की चार्जिंग ऐसा कहा जा रहा है, अब देखते हैं कब तक लॉन्च होगा और ये रेंडर्स ठीक भी हैं या नहीं। इसके अलावा रियलमी ने सी सीरीज में काफी टाइम बाद कोई अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च किया है, अभी थाईलैंड में किया है, इंडिया में भी आएगा। इसमें 5000 mAh बैटरी देखने को मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट, 18 वाट चार्जिंग, USB 2.2 बेस स्टोरेज, एक फुल HD प्लस डिस्प्ले, हालांकि TFT डिस्प्ले होने वाली है, 50 मेगापिक्सल कैमरा और यूनिशॉक का प्रोसेसर है T616। तो यार काफी माल का है अगर अच्छे बजट पे आ जाता है इंडिया में तो, और इंडिया में आने की बात कर ही रहे हैं ना, तो रियलमी ने थोड़े बहुत हिंट दे दिए हैं। जो अगले लॉन्च इवेंट होने वाले हैं ना, रियलमी GT 2 सीरीज बहुत जल्दी इंडिया में आने वाली है, और उसके बाद रियलमी C31 और रियलमी C35 बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं, मतलब 1 से 1.5 महीने में ये तीनों स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं। और पिछली टेक न्यूज में मैंने आपको बताया था कि रियलमी की एक 8000 mAh की बैटरी लीक होकर आई है रियलमी पैड की, हो सकती है, तो अब थोड़े और लीक्स आ रहे हैं कि रियलमी बहुत जल्दी अपना रियलमी पैड मिनी लॉन्च कर सकता है, जो कि मतलब आईपैड मिनी टाइप, थोड़ा कॉम्पैक्ट भी होगा और थोड़ा सस्ते में भी आएगा। और रियलमी पैड के साथ साथ रियलमी बुक भी दोबारा लॉन्च होने वाली है, मतलब रियलमी बुक जो अभी चाइना में गई थी ना रियलमी बुक एनहांस्ड एडिशन नाम से, वो इंडिया में आ सकती है रियलमी बुक प्राइम नाम से बहुत जल्दी। और चाइना में रेडमी K50 सीरीज की लॉन्च डेट ऑफिशियली बाहर आ चुकी है कि 16 फरवरी को चाइना में लॉन्च होने वाला है, और उससे 1 से 1.5 महीने में ही है ना इन सीरीज में तो कुछ ना कुछ स्मार्टफोन
पोको F4 सीरीज में जरूर आएंगे इंडिया में, और वैसे पोको का एक और स्मार्टफोन बहुत जल्दी आने वाला है, आगे चल के बात करूंगा। इसके अलावा रेडमी ने अपनी नोट 11 और नोट 11 एस को लॉन्च कर दिया है। यार ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, दोनों में 90Hz AMOLED, 5000 mAh बैटरी, 33 वॉट चार्जिंग। प्रोसेसर में फर्क आता है हमें नोट 11 में स्नैपड्रैगन 680 और वहीं नोट 11 एस में हीलियो का G96 देखने को मिलता है, और वहीं कैमरा हमें नोट 11 में 50 मेगापिक्सल तो नोट 11 एक्स में 108 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात करूं तो नोट 11 की जो बेस वेरियंट की प्राइस है 13,500 से स्टार्ट होती है, पर ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, थोड़ी बाद में बढ़ सकती है 500 से 1000 रुपए। और नोट 11 एस की प्राइस जो है वो 16,500 से स्टार्ट होती है। जो नोट 11 है ना वो मेरे को थोड़ा ठीक लगा प्राइस के हिसाब से, बट नोट 11 एस थोड़ा ओवर प्राइस है, मतलब उस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से प्रोसेसर थोड़ा और बेटर हो सकता था। और इसी लॉन्च इवेंट में रेडमी ने अपना स्मार्ट बैंड प्रो भी लॉन्च कर दिया, 4000 रुपए कीमत है और इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है 3,500 का मिल जाएगा अगर जल्दी लेना चाहते हो तो। बट मेरे को इतना एग्रेसिव नहीं लगा इस प्राइस पे, काफी अच्छी अच्छी स्मार्ट वॉच भी आ जाती है, और बैंड ही लेना है तो ओनर बैंड 6 भी आ जाता है 3,000 रुपए का, तो मेरे को इतना एग्रेसिव नहीं लगा। बट जो एग्रेसिव लगा है वो रेडमी का टीवी 43 इंच में लॉन्च कर दिया है, जिसकी प्राइस रखी है 29,000 रुपीज। इसके अलावा काफी टाइम बाद पोको अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, जो कि पोको का M4 Pro 5G, और पोको जो भी फोन लॉन्च करता है वो रेडमी का ही रीब्रांड होकर आता है। तो ये फोन भी रेडमी नोट 11 T5G का रीब्रांड होकर आने वाला है, बिल्कुल डिट्टो सेम, बस प्राइस थोड़ी ज्यादा कम कर सकता है, मतलब 1,500 रुपए और कम हो सकती है रेडमी वाले से, तो अगर उसको लेने की सोच रहे थे तो वेट कर लेना। हालांकि कोई एक्साइटमेंट नहीं रह जाती यार, क्योंकि वही रीब्रांड करके लाना तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। और 15 फरवरी को एक और फोन लॉन्च हो रहा है, जो कि है Asus का ROG फोन 5S। मतलब यार इतने टाइम से डिमांड कर रहे थे Asus Zenfone सीरीज आएगी, Asus 8Z, Asus उसको भूल ही चुका है, वैसे तो लोग भी भूल चुके हैं, बट Asus ROG फोन 5S 15 फरवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और यार जनवरी में इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्च हुए ही थे, बट फरवरी में बिल्कुल लाइन ही लगी हुई है। मोटोरोला ने भी अनाउंस कर दिया है कि 24 फरवरी को उनका एक फ्लैगशिप फोन आने वाला है। अब ये हम सबको बताए कौन सा फोन होने वाला है, मोटोरोला का Edge 30 Pro। अभी Edge X30 नाम से चाइना में, मतलब नाम थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट यही फोन 24 फरवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है अपनी सैमसंग S22 सीरीज, S22, S22 प्लस, S22 अल्ट्रा। इसके अलावा सैमसंग ने अपनी टैब S8 सीरीज भी लॉन्च करी है, S8, S8 प्लस, S8 अल्ट्रा। काफी कमाल के हैं, बट बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं कराया है S21 से अगर कंपेयर करूं तो। हालांकि जो S22 अल्ट्रा है वो एक नोट सीरीज, मतलब नोट लवर्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। और इंडियन प्राइस अभी रिवील नहीं करी है, बट ये जरूर रिवील कर दिया है कि जो S22 सीरीज इंडिया में आएगी ना वो स्नैपड्रैगन 8th Generation 1 प्रोसेसर के साथ ही आएगी, तो काफी अच्छी बात है। इसके अलावा OnePlus Note CE2, इसकी लॉन्च डेट भी OnePlus ने बता दिया कि 17 फरवरी को लॉन्च होने वाला है। Dimensity 900 प्रोसेसर होएगा, इसके अलावा 65 वॉट की चार्जिंग, 4500 mAh बैटरी, 64 मेगापिक्सल कैमरा हो सकता है। 24,000 के आसपास इसकी कीमत होगी, और मेरे को इतना अग्रेसिव नहीं लग रहा है, क्योंकि इस प्राइस पे Realme 9 Pro Plus थोड़ा ज़्यादा बेटर होएगा, और भी स्मार्टफोन आते हैं जो इससे ज़्यादा अच्छे होंगे कैमरा वाइज भी, प्रोसेसर वाइज भी। बाकी जिसको OnePlus चाहिए वो रुकता नहीं है, OnePlus ही लेगा। इसके साथ साथ इसी लॉन्च इवेंट में OnePlus अपने नए टीवी भी लॉन्च करेगा, जो कि पिछली टेक न्यूज में मैंने आपको बताया था, OnePlus के टीवी Y1S और Y1S Edge। और Vivo ने लॉन्च कर दिया अपना Vivo T1 5G, जो कि ऑनलाइन मार्केट को टारगेट करने वाली पहली सीरीज है Vivo की, मतलब सीरीज का पहला स्मार्टफोन है Vivo T1 5G। स्नैपड्रैगन 695 के साथ आता है, 120Hz LCD डिस्प्ले, 50+22 मेगापिक्सल का कैमरा, और यार 18 वॉट चार्जिंग है, 5000 mAh बैटरी है। जो प्राइस रखी है 16,000, तो यार ये कहूंगा कि 16,000 के हिसाब से मतलब बिल्कुल परफेक्ट फोन तो नहीं है, बट Vivo ने एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा अच्छा काम करा है, मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं था Vivo से, थोड़ी अच्छी प्राइस रख दी है। और iQOO ने भी फाइनली अनाउंस कर दिया iQOO 9 सीरीज की लॉन्च डेट, iQOO 9 SE, iQOO 9, iQOO 9 Pro, ये तीन फोन लॉन्च होंगे, 23 फरवरी को लॉन्च होने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि ये इंडिया के पहले 8 जनरेशन 1 के साथ आएंगे। पहले इसलिए क्योंकि जो दूसरा है ना वो 24 तारीख को लॉन्च हो रहा है, मोटोरोला का Edge 30 Pro, तो 24 घंटे लेट होने की वजह से वो आ जाता है सेकंड और ये आएंगे फर्स्ट। हालांकि सीरीज काफी कमाल की होने वाली है, इसके लिए मैं वीडियो बना ही चुका हूं, क्या प्राइस क्या स्पेसिफिकेशन होगी आई बटन में दे दूंगा, जाकर देख लेना। और एप्पल ने फाइनली अनाउंस कर दिया है, जो एप्पल के एयरटैग से रिलेटेड इतने बेकार केस आ रहे थे ना फोरन में, किसी की कार चोरी हो रही थी, किसी को भी ट्रैक करा जा रहा था, तो एप्पल एक अपडेट लाने वाला है जिसमें अलार्म 11 बज जाएगा, तो काफी अच्छी बात है। बट यार एयरटैग का बहुत गलत यूज कराया लोगों ने, मतलब इंडिया में तो ऐसे केस इतने अभी नहीं आए हैं, बट फोरन में ज्यादा आए हैं, क्योंकि फोरन में लोग आईफोन ज्यादा यूज करते हैं। और खत्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में देगा लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपकी कोई वीडियो रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बिल्कुल आपसे जल्दी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए कीप वाचिंग फन टेक, बूम।